हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की बहुत ही स्पेशल डिश, बिंगो चाट। बिंगो तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, लेकिन बिंगो से हम चाट बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में सिर्फ एक मिनट लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एक मिनट के अंदर बिंगो चाट। इस स्पेशल चाट को बनाने के लिए मैंने लिया है पापड़। ये जैन पापड़ है, यानी लीजर पापड़ होता ना जैसे, वैसे ये पापड़ है। इसको हम कर लेंगे हल्का सा। मैंने दो पापड़ लिए हैं, ये मैंने लिया है बिंगो। फ्लेवर आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा हाथ से ही क्रश कर देंगे। मुझे ये ब्लू वाला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप यूज़ करें। इस तरह से हल्का हल्का क्रश कर दिया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, एक चम्मच नमक और ये आलू, आलू एक डाला मैंने, बॉयल्ड आलू है ये, हरी मिर्च, ये है एक चम्मच मैगी मसाला और ये है लेमन जूस। इस तरह से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और ये तैयार होगी हमारी बिंगो चाट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इसको मीठा देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सॉस। सॉस से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैंने डाली है इसमें टमाटो सॉस करीब दो चम्मच। तो ये हमारी बिंगो चाट बनके तैयार है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी, आप एंजॉय करें। बहुत टेस्टी ये चाट बनके तैयार होती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, एक बार इसे ट्राई करके देखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत ईजी है, एक मिनट के अंदर ये चाट बनके तैयार हो जाती है। और बेसिक इंग्रेडिएंट हैं और बच्चों के मनपसंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।